Now in this video, we'll further complete the chapter community services. So, पहले पार्ट में हम लोग पढ़े थे कि पेड़ वगैरह का क्या इम्पोर्टेंस है और कम्युनिटी सर्विस पहले के ज़माने में लोग कैसे करते थे. अब है वाटर फॉर क्वेंचिंग द थर्स्ट. क्वेंचिंग द थर्स्ट मतलब प्यास बुझाने के लिए पानी. तो इन ओल्डन टाइम्स द मोस्ट धर्मशाला और सराई जो हम लोग पढ़े थे कि राजा लोग धर्मशाला और सराई बना रहे, वो कहाँ बनाता था? पानी के आसपास, कोई नदी के आसपास, कोई पौंड के आसपास, ताकि जो रेस्ट करने का जगह है वहाँ पर पानी इजीली मिल जाए. फिर फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ वाटर फ्रॉम वेल्स, स्टेप वेल्स, कुंड्स एंड सिसंदरा. जहाँ पर पानी आसपास नहीं है तो वहाँ का जो रेस्ट हाउसेज है वो वहाँ या तो कुआं हुआ करता था या इसको स्टेप वेल बोलते हैं. स्टेप वेल क्यों? स्टेप मतलब सीढ़ी, तो लोग सीढ़ी से उतर के पानी लेंगे. जहाँ तक पानी रहेगा वहाँ तक का सीढ़ी से उतर जाएंगे, तो इसको स्टेप वेल्स बोलते हैं. स्टेप वेल्स आर ऑल्सो कॉल्ड वाटर टेम्पल्स ऑफ इंडिया. जैसे टेम्पल्स में होता है इतना सारा सीढ़ी, वैसे यहाँ पर भी है और पानी पूजने के लायक ही है, तो वाटर टेम्पल ऑफ इंडिया. कुंड्स और सिसंदरास क्या होता है, ये हम लोग पीछे पढ़ेंगे. तो वेल्स मेन सोर्स पानी का है, था, और बाकी सारे काम के लिए भी. कहीं कहीं पर स्टेप वेल्स कंस्ट्रक्ट किया जाता था. इसमें क्या है कि बारिश का पानी हार्वेस्ट हो जाता था, रेन वाटर हार्वेस्ट होता था. बारिश का पानी नीचे आके जमेगा तो स्टोर हो जाएगा, फिर नीचे उतर उतर के पानी लिया जाएगा. तो ये एक बहुत अच्छा टेक्निक था कि जब सूखा पड़ जाता था या जब बारिश नहीं हो रहा है तो उस महीना में लोग, जैसे एक्सट्रीम समर में, तब पानी का कमी नहीं होता था. सम स्टेप वेल्स आर फाउंड इन गुजरात एंड राजस्थान, जहाँ पर 5 to 7 स्टोरीज डीप है. मतलब 5 to 7 फ्लोर्स जितना ऊंचा बिल्डिंग है उतना गहरा ये स्टेप वेल्स होता है. स्टेप वेल्स को वाटर टेम्पल्स ऑफ इंडिया बोलते हैं. और भी बहुत सारा नाम है, जैसे वाव, वावड़ी, बावड़ी, बावरी, बाउली और बावती. तो 3-4 नाम लर्न करना होगा इसमें से. फिर कुंड क्या होता है? इसको कुंड बोलते हैं. इज अ वेल दैट लुक्स लाइक अ सॉसर विद अ कप एट द सेंटर. जैसे चाय का प्लेट और उसका कटोरी, तो वही है कप एंड सॉसर. कप में समझ लो पानी भरा हुआ है, सॉसर मतलब आसपास का जगह बना हुआ है बैठने के लिए. तो इट इज़ एन अंडर वाटर स्टोरेज सिस्टम टू हार्वेस्ट रेन वाटर इन द ड्राई रीजन्स ऑफ गुजरात एंड राजस्थान. पानी सॉइल के अंदर भी चला जाता है और अंदर में कुआं जैसा ही है, लेकिन कुआं के जितना डीप नहीं होता है, ये सब चौड़ा ज़्यादा होता है. तो ये सब पहले के ज़माने में वाटर हार्वेस्टिंग का बहुत अच्छा टेक्निक था. फिर एक है सिसंदरा. सिसंदरा टब के जैसा स्ट्रक्चर्स होता है, जो कि इस फोटो में दिख रहा है. पानी भरा हुआ रहता है, आने वाला जाने वाला इंसान ले लेके पानी पी लेता है. फिर जानवरों के लिए छोटा सा हाइट में रहता है ताकि वो लोग खुद मुँह लगा कर पी लें. तो सी, सिसंदरा अ टब लाइक स्ट्रक्चर वॉज बिल्ट इन कर्नाटका ऑन इम्पॉर्टेंट रोड क्रॉसिंग्स फॉर द कम्फर्ट ऑफ ट्रैवलर्स. स्मॉलर सिसंदरास वेर बिल्ट फॉर एनिमल्स. तो कौन सा जगह कहाँ है और किस तरह का शेप है और क्या काम आता है, वो लर्न करना. वाटर हार्वेस्टिंग इन ओल्डन टाइम्स. वाटर हार्वेस्टिंग का जो टेक्निक है, सबसे पहले तो उसका डेफिनेशन. वाटर हार्वेस्टिंग इज द टेक्निक ऑफ कलेक्टिंग, स्टोरिंग एंड यूजिंग रेन वाटर. मतलब रेन वाटर को कलेक्ट करना, स्टोर करना और यूज करना. किस काम में यूज करना? खेत में पानी देने के लिए, पीने के लिए या कोई भी दूसरे काम के लिए. तो ये पूरा रेन वाटर हार्वेस्टिंग का डेफिनेशन हो गया. इन ओल्डन टाइम्स इंडिया हैड अ वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग. हर विलेज थोड़ा थोड़ा रेन वाटर जमा करता था ताकि उन लोग का ड्राई महीने में काम चल जाए, तो कहीं पर पानी का कमी नहीं होता था. मेनी ऑफ द ट्रेडिशनल वाटर सोर्सेज एग्जिस्ट टूडे. जैसे इस तरह से एक वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है, लेकिन अब कोई मेंटेन नहीं किया तो अभी ऐसे टूटा फूटा हो गया. तो अनफॉर्चुनेटली मोस्ट ऑफ देम आर इन रूइंस. बर्बाद हो गया क्योंकि पुअर मेंटेनेंस और नेगलेक्ट, इग्नोर किया गया उस स्ट्रक्चर को. इस वजह से लोगों को लगा कि पुराना चीज़ है तो क्या काम आएगा. इन रीसेंट टाइम्स एफर्ट्स हैव बीन मेड टू रिवाइव द वाटर बॉडीज एंड पॉपुलराइज वाटर हार्वेस्टिंग. अब लोग कोशिश कर रहे हैं वापस कि पानी को हार्वेस्ट करें, कि रेन वाटर जो नदी में चला जाता है, ड्रेन में चला जाकर वेस्ट हो रहा है, उसको हम लोग अंडरग्राउंड में स्टोर कर लें. हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ये सब के बारे में. क्यों करें? ताकि वाटर स्कार्सिटी ना हो, पानी का कमी ना हो. जैसे घर के छत पे पानी जमा हो रहा है, ये पाइप के थ्रू नीचे आ रहा है और टैंक में भर रहा है. वो टैंक
ऊपर भी हो सकता है या अंडरग्राउंड भी हो सकता है। ऊपर होगा तो घर के काम में काम आएगा वो पानी, अंडरग्राउंड होगा तो वो अंडरग्राउंड वाटर को रिचार्ज करेगा। तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि वाटर हार्वेस्टिंग इज़ नॉट अ न्यू टेक्निक, वो कोई नया टेक्निक नहीं है, पुराने ज़माने से ही लोग करते आ रहे हैं।